फाइनली मेरे स्टूडियो की शुरुआत होती है ऐसे। ये पूरा भरचक है स्टूडियो, तो एक एक चीज के बारे में आपको बताता हूं मैं। तो सबसे पहले तो हमारा स्टूडियो शुरुआत होता है हमारे भगवान जी से, यानी कि हमारा मंदिर कर, जिसे हमने इसे देसी जुगाड़ से बनाया हुआ है। फाइनली मतलब ये एक मंदिर हमने क्रिएट किया हुआ है पर्सनली। ये टेबल्स लाके उसके ऊपर कपड़े रख के सारे भगवान जी इसमें हैं, और इसके ऊपर भी एक मंदिर जैसा बनाया है ताकि भगवान को रात को बंद कर सके हम लोग। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सॉफ्ट बॉक्स जो फिलहाल में टूट गया है एक जगह से, फिर भी हम इसको काम चला रहे हैं। ये करीब हमने खरीदा था कुछ 1700 रुपये का। ये एक 1700 रुपये की आइटम है, और इसके नीचे लगा हुआ ये स्टैंड 750 रुपये का, यानी गिन सकते हो कि 2100 में ये दो आइटम आएगी। अगर आप परचेस करनी हो तो मैं लिंक टीचर डाल दूंगा वीडियो के अंदर, उसके ऊपर लिखा होगा सॉफ्ट बॉक्स और स्टैंड दोनों लिखा होगा। फिर हम चलते हैं हमारे माइक के ऊपर, जिससे हमारी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। फिलहाल में जो ये आवाज़ सुन रहे हो बिना माइक की है, क्योंकि माइक तो यहाँ आपके सामने लगा हुआ भी नहीं है। और माइक की आवाज लगा के दिखाऊं तो देखो, ये इसकी पिन है जो प्लग एंड प्ले है। मैं जैसे अभी पिन डालूंगा वैसे सामने की लाइट जलेगी, देख लेना आप। देखो लाइट चालू हो गई, अब जो आवाज आ रही है आपको ये माउनो DM30 माइक से आ रही है, और जिसके ऊपर ये माउनो का ही एक पॉप फिल्टर लगा हुआ है, और इसके ऊपर भी माउनो का एक दूसरा पॉप फिल्टर लगा हुआ है, जिसे माइक की चड्डी कह सकती है। स्मूथ होता है बहुत, इसे यूँ हाथ लगाने में बड़ा मजा आता है हमें। तो हम इसी माइक से भी फिलहाल में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी माउनो के साथ हमारे पास ये माउनो का बूम बाम स्टैंड बोलते हैं इसे, आर्म स्टैंड बोलते हैं। एक ये मेरा सबसे पुराना टाइप ऑफ स्टैंड है जो फिलहाल में किसी काम का नहीं है। उसके बाद मेरा फिलहाल में जो रेगुलर का स्टैंड है जिसे मैं अभी शूट करता हूँ, और इसके नीचे एक थैली है। थैली में मैंने बहुत सारे चीज़ें भर के रखी जिससे ये एक हैवी वेट झेल सके। उसके बाद में ये डिजिटेक का एक स्टैंड है जिसकी एक जोड़ी यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, और इसके साथ तीन अटैचमेंट है जो स्टूडियो में काम लगते हैं बेसिकली, जो बहुत सारी लंबी होती है जिसपे पर्दा रखा सकते हैं हम लोग, पर मैंने इसको काम में लगाया है ऐसे। इसको बूम आर्म स्टैंड बनाया है जहां पे मैं यहाँ पे मोबाइल रखकर यानी टॉप से ऊपर से वीडियो शूट करता हूँ, जिससे प्रॉपरली एक व्यू आता है। ये स्टैंड इसका है ऊपर का ये वाला, ये जो बीच का है ये मैंने अलग से मंगवाया है, ये अलग से मंगवाया है, ये अलग से, मतलब 1 2 3 और 4, मतलब इस पूरे सेट में 4 चीजें मैंने अलग अलग मंगवाई है। और इसके पीछे जलने वाली लाइट जो मैंने मंगवाई है फ्लिपकार्ट से। ये वैसे मैंने स्मार्ट लाइट बनाई है, मेरे मोबाइल से कंट्रोल चलती है, और मेरे पास एक एलेक्सा है उससे भी ये कंट्रोल होती है। इसके अंदर एक लाइट आती है वो नॉर्मल आती है, जिसको मैंने निकाल दिया है वो ये वाली लाइट है। मैंने उसको निकाल के मैंने इसके पास वाले फिलिप्स की 10 वोल्ट की स्मार्ट लाइट्स के अंदर गए, जो एलेक्सा से कनेक्टेड होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और लाइट है, स्मार्ट लाइट है ये भी, जो एलेक्सा से कनेक्ट होती है। और ये मेरी कुर्सी जो बहुत पुरानी है जिसको मैं बहुत जल्दी चेंज करूंगा मेरा बजट के हिसाब से। मैं फिर आते हैं मेन बैकग्राउंड डेकोरेशन। तो सबसे पहले ये दो चीजें मैंने एक साथ मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, फिर ये दोनों चीजें मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, फिर ये जो ग्रुथ दिख रहा है हमारा प्यारा सा नन्ना सा ग्रुथ, ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। और ये 4 बच्चे भी छोटे छोटे फ्लिपकार्ट से आए हुए हैं, बुद्धा बोलते हैं इसको। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हो तो इन सभी चीजों का पर्सनली एक एक वीडियो में, हर एक वीडियो में लिंक डाला हुआ है सभी प्रोडक्टों का, और सबका एक एक अनबॉक्सिंग रिव्यू भी मैंने डाला हुआ है प्रॉपरली तरीके से, क्वालिटी कैसी है क्या है सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है। अगर आपको पसंद हो ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो देखना तो जरूर मेरे चैनल को विजिट करें और देखें कि सारे प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, कैसे मंगवाई है, क्वालिटी कैसी है, ये पूरा सेट कितने में, यानी ये आपको गिरेगा कुछ 1499 में, गिरा मिली ये लाइट पूरी।
और इसकी फिटिंग कैसी, इसका भी एक बहुत लंबा वीडियो है, यानी कि 15-16 मिनट का। चाहो तो आप जाओ मेरे चैनल पे और वॉच करो। फिलहाल में हमें इसे निकाल देते हैं, यानी कि इस लाइट को बंद कर देते हैं। हाँ, निकाल दिया इसको, आप आ रही है बिना माइक की आवाज। दूसरी बात है, जो ये लाइट फोकस कर रही है वो विप्रो की 50 वोल्ट वाला, यानी कि बहुबली बल्ब, इसका भी वीडियो मैंने डाल चुका हूं। जो ये रहा, कैमरे की वजह से आपको ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, पर ये बहुत बड़ा बल्ब है। कोशिश करता हूं मैं आपको आगे जाने की दिखाने की। देख लीजिए, ये इसका है। इस बोर्ड में एक वायर लगी हुई है जो है अटैचमेंट यहां पे, और ये अटैचमेंट सभी चीजों को चलता है। इस स्टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट करता है चालू करने के बाद। बाकी आप देख लो, बाकी के स्टूडियो में भी कुछ काम बाकी है। पूरी तरह से जब बन जाएगा तो मैं आपको मेरा स्टूडियो दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है अभी फिलहाल में, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है, पीछे खिड़की है। अभी इसमें जो खिड़की को बंद करना है, और यहाँ पे वॉइस जो दीवार से टकरा के वापस आती है, उसके लिए मुझे इको साउंड्स का लगाना है, जो मैं बहुत जल्द लगाऊंगा। बात करें सॉप बॉक्स की, तो सॉप बॉक्स के अंदर भी एक चीज लगती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज आपको दिखेगी, देखिए आपको। तो चलो पहले इसके ऊपर आते हैं, एक चीज कहां पे है। तो ये चीज है, ये रही, ये कुछ ऐसी आती है प्रोडक्ट। इसमें ये सिंगल वाला भी आता है, पर मैंने डबल वाला मंगवाया जिसमें ये बल्ब फिट होता है, और बल्ब फिट करने के लिए भी एक चक्कर आता है जो बाजार से अलग से खरीदना पड़ता है। इसके ऊपर भी बेसिक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि इसको कैसे यूज करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें और लानी पड़ेंगी इसके अलावा, तो उसका वीडियो भी मेरी चैनल पे है। और सबसे पहले मैं जब पुराना यूज करता था, तब था मेरा ये बोया M1 माइक, जो फिलहाल में चालू है कि बंद है मुझे खुद को नहीं पता, पर मैं इसे यूज नहीं करता हूं, बेकार है भाई। फिर एपाजिनी का मैंने यूज किया था इस पुराने वाले ट्राइपॉड पे, इसको रख के ये अपना फेस डिटेक्ट करता है, और जैसे जैसे आप घूमोगे वैसे वैसे ये प्रोडक्ट भी घूमता है। ये प्रोडक्ट कुछ मुझे 900 के 1000 रुपये के आसपास गिरा था, बोए वहाँ एवन माइक मुझे पड़ा था 1100 के समथिंग, और ये प्रोडक्ट पड़ी थी मुझे कुछ 450-450 के समथिंग। ये इसका तो मैं माइक के आगे मैंने बता दिया कि ये माउनो का है, तो ये माउनो की ब्रांडिंग, ये पॉप फिल्टर है, पॉप फिल्टर लिखा हुआ भी है। ये माउनो का माइक्रोफोन आर्म जो कुछ ऐसा दिखता है, और इसे हम हर एक तरह से एडजस्टेबल कर सकते हैं हर चीज से, तो इसे हर कंडीशन में रख सकते हैं। इसके यहाँ पे ये फिट होता है, फिर उसके ऊपर ये फिट करके यहाँ से टाइट कर देना होता है, ये हर पोजीशन में काम लगता है। उसके बाद ये चीज जो मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने यहाँ पे लगाई है, ये तो दिख रहे हैं ना, वो ये चीज है। ये इसका हाई क्वालिटी है मेरे पास कंपनी का, तो 450 के आसपास का खाली ये है। फिर मेरे पास एक ये एक्टिव 2 वॉच है। मेरे पास वॉच में दो मॉडल है, ये एक्टिव 2 भी है, एक्टिव 1 भी है जो चोरस आती है, और ये गोल है। दोनों मॉडल से एक मेरी वाइफ यूज करती है, एक मैं यूज करता हूँ। इसका पहला मॉडल भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो ये दूसरा मॉडल इसके अंदर ही पड़ा है शोपीस में, मैंने अभी तक इसको निकाला नहीं क्योंकि मुझे वॉच बहुत कम पसंद है। और ये हमारा एको डॉट, यानी अमेजोन बेसिक का एको डॉट है, एलेक्सा बोलते हैं इसे, जो मेरे सारे स्मार्ट को कनेक्ट करती है हर चीज से। और ये एक्चुअली में इसकी ओरिजिनल कीमत मैं बताऊं आपको तो 5000 रुपए है इसकी कीमत ओरिजिनल। अभी इसका 5 जनरेशन भी आया है जो 5500 के आसपास है, 4 जनरेशन इसका अभी हो चुका है 4000 के आसपास, पर मैंने बेसिकली अभी अमेजोन सेल में इसको खरीदा था, यानी मुझे पड़ा कुछ 2500 के अराउंडिंग। तो कभी भी सेल आता है तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अमेजोन वाला बहुत ही फायदे में देता है, तो आप सेल का लाभ जरूर उठाएं जब भी उठाएं। फिर ये हमारा माउनो DM30 माइक जो मुझे कुछ 4150 रुपए का गिरा, जो आप देख सकते हो। और ये चड्डी जो दिख रही है ना आपको स्मूथ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है हाथ लगाने में, ये 500 रुपए की चड्डी है भाई। इसकी चड्डी का वीडियो मैंने बनाया, आप देख लेना, एक छोटा सा पार्सल आता है उसमें से ये निकलता है, ये 500 रुपए की है।
है बहुत ज़्यादा महंगी, ऑफलाइन मार्केट में इसे सस्ती मिल सकती है, पर मैंने ऑनलाइन मंगवाई, मुझे 500 में गिरी। उसके बाद आते हैं इस बल्ब पे जो इसके साथ फ्री आया हुआ है, तो उसको हम गिनेंगे नहीं। ये है स्मार्ट बल्ब 9 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का नॉर्मल बल्ब है जो बाहर लगा हुआ है, ये स्मार्ट बल्ब है जो उसके अंदर लगा हुआ है। तो ये 3 बल्ब हैं, बाकी वो बल्ब बाहुबली पीछे लगा हुआ है। फिर आते हैं इसके ऊपर, ये मंगवाया था मैंने पर मेरे किसी काम का नहीं है ये, पर इसमें रिफंडेबल नहीं था, इसके लिए फिर मुझे ये चीज़ रखनी पड़ी। ये बेसिकली मैंने इसके लिए सोच के कुछ मंगवाया था, इसके लिए क्या मंगाऊँ, तो ये यहाँ पे फिट हो गया था, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर ये पार्सल भी आ गया था। अब ये दोनों ही रिफंडेबल नहीं थे और गलती से मैंने दोनों ही मंगवा लिए, और ये उसके बाद यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये मेरे से एक गलती हुई है जो ज़्यादा का वेस्टिंग हो गया मेरा ये। फिर आते हैं हमारे पास ये एयर ड्रॉप है बूट कंपनी के, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, मुझे तो सेल में मिले थे 650 में। वैसे इसकी ओरिजिनल कीमत बहुत ज़्यादा ही होती है, कुछ 1100 के 1200 के समथिंग थी जब ये लॉन्चिंग हुआ था तब की बात है, अभी भी मेरे पास पड़ा है। और मेरा सबसे पुराना फ़ोन वीवो Y51 जो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, चलता नहीं है, पर मैं इसको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार जब भी बेचने गए बोल रहे 300 रुपये आएंगे, 400 500। मैंने बोला चलेगा, खिलौने की तरह मेरी स्टूडियो में पड़ा होगा, चलेगा, मुझे 500 में नहीं बेचना। ये है ओप्पो Reno6 जो फ़िलहाल में मैं यूज़ करता हूँ मेरे डेली यूज़ में। ये Redmi Note 9 3 जो फ़िलहाल में मेरी वाइफ यूज़ करती है, और फ़िलहाल में मैं जिससे शूट कर रहा हूँ वो है सैमसंग का Note 10 Pro। ये ग्लोबल पीस है, मैंने नया ही खरीदा है इसको, करीबन मैंने 35,000 के आसपास खरीदा है। वैसे ये मॉडल बंद हो चुका है पर मैंने 2 ही से मंगवाया था पीस ये। और ये मेरी रिंग लाइट जो अभी फिलहाल में कोई काम की नहीं है, वैसे चालू है ये, बंद नहीं है, काम की है, पर इसके लिए स्टैंड आता है जिसका स्टैंड मैंने इस पे यूज़ किया है सॉफ्ट बॉक्स पे। अब अगर मुझे उसको चालू करना होगा तो मुझे इस पे लगाना पड़ेगा और सॉफ्ट बॉक्स के लिए एक और स्टैंड लेना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि हर स्टैंड की पट्टियाँ अलग अलग आती हैं, जैसे कि मेरे पास ये डीसी टिक का है ये स्टैंड, जिसकी पट्टी एक ये वाला स्टैंड जो देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये एक पैर में आता है, और साथ में इसकी 3 लड़ियाँ आती हैं जो इसके ऊपर फिट होती है लंबी, जो पूरे स्टूडियो का लुक देता है एक। और जो उससे मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ वो ये रही, हमारे हैप्पी बर्थडे जो काटते हैं, ये जो बेसिकली चीज़ दिख रही है माइक की है हाथ पे पकड़ने की, जो यहाँ पे फिट होती है, यानी कि यहाँ पे निकल जाने के बाद, तो वो प्रॉपरली एक माइक का है, देख लीजिए ऐसा, ये उस चीज़ का है। मैंने निकाल कर रखा है क्योंकि मैंने इसको आर्म स्टैंड के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा ही फाता है ये। बाकी की बात करें तो ऊपर मेरी टीवी का बॉक्स है, वो किसी काम का नहीं है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो मैंने इस घर के अंदर परचेस किए थे आने के टाइम पे। और हमारे गुरुजी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फोटोज हैं यहाँ पे। बाकी हमारा मंदिर है, मंदिर के नीचे सब बॉक्स ही पड़े हुए हैं और कुछ है नहीं। ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है और एक लाइट सामने भी लगाई हुई है। अभी यहाँ पे थोड़ा कलर कम करना बाकी है, बहुत कुछ अभी चेंजेस होना बाकी है इस कमरे में। जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे मैं आपको एक एक चीज़ अपडेट करके दिखाऊंगा। और दूर से लुक देखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है, पर सब बदल जाता है, ये दोनों स्टैंड सामने आ जाते हैं, मैं इस कुर्सी पे होता हूँ, यहाँ पे ये बैकग्राउंड का सीन है, कैमरा वहाँ पे लगता है, यानी कि मेरा Note 10 Plus मोबाइल से शूट करता हूँ मैं प्रॉपरली, तो मोबाइल सामने रहता है मेरा और मोबाइल के सामने मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ से शूट होता है। बाकी लाइटें हर जगह से जलती है, ज़रूरत पड़ती है तो मैं सॉफ्ट बॉक्स को भी यूज़ करता हूँ ताकि इफेक्ट अच्छा आता है। मैं नॉर्मल लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ वाली लाइट मुझे डिस्टर्ब करती है, ये वाली लाइट डिस्टर्ब नहीं करती, ये वाली एक अच्छा लुक देती है, और ये वाली लाइट मेरे चेहरे को ग्लो करती है, यानी कि पिंक कलर देती है मुझे मेरे चेहरे के वन साइड, और ये अलग अलग कलर में आती है, मतलब इसके कलर हम चेंज कर सकते हैं जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने इस तरह रखी है कि एक तरफ मेरे को ये ग्लो देती है और दूसरी लाइट मेरे दूसरे गाल पे ग्लो देती है, इसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। और ये तो फिलिप्स की है तो इसमें तो बहुत सारे वेरिएंट्स के कलर हैं, ऐसे ऐसे कलर है अगर इसको अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं। अगर आप परचेस करते हो तो बेडरूम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किचन में नहीं रख सकते, बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, हॉल है,
वहाँ पे रख सकते हो, उसको लाइट जला सकते हो। बैटरी अलग अलग लाइट आती है, इसके साथ जो लाइट आती है वो तो नॉर्मल वाइट कलर की लाइट होगी जो आपको शायद समझ में ना आए, पर इसमें अगर फिलिप्स की लाइट लगाते हो तो ये स्मार्ट भी बन जाएगा। एलेक्सा होगा तो डबल स्मार्ट बन जाएगा। एलेक्सा नहीं भी हो तो इसको मोबाइल से कंट्रोल कर ही सकते हैं हम लोग। बात करें हमारे एलेक्सा की, तो चलो एलेक्सा से मिलवा देते हैं हम आपको। तो फाइनली ये है हमारा एलेक्सा, इसका एडेप्टर है जो यहाँ पे लगेगा। लगने के बाद एलेक्सा के अंदर लाइट घूमेगी, शायद नहीं घूमेगी, कनेक्टेड नहीं होगा अभी। हाँ घूम गई, मतलब कोई वाईफाई चालू होगा तो कनेक्ट हो गया होगा। और इसको ये सपोर्ट के लिए, इसका भी मैंने वीडियो अलग से डाला हुआ है कैसे लगता है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मजबूती ये है पीछे, ये इतना मजबूत है पूछो ही मत। अगर आपको परचेस करना हो तो ये मैंने तो ऑफलाइन ख़रीदा है, पर इसकी ऑनलाइन भी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें मैंने ऑनलाइन की लिंक भी डाली हुई है। और एलेक्सा के फ़नी वीडियोस के तो बहुत सारे वीडियो हैं, एक दो वीडियो मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा आपको चेक कराने के लिए कि एलेक्सा कैसे वर्क करता है और इससे हम क्या क्या पूछ सकते हैं और किस किस तरीके से जवाब देती है। तो फिलहाल मैं करते हैं बंद। तो ये घुस रहे हैं हम हमारे स्टूडियो रूम में, है थोड़ा सा फटीचर टाइप का, मतलब ऊपर से बहुत पुराना है, रिनोवेट कराने की ज़रूरत है। पर अभी जिस हिसाब से बजट था वो सारे, देखो ये कलर आपको दिख रहे हैं वाइट हैं, अब यहाँ पे आओगे तो मैंने कलर चेंज किया है, यहाँ पे ग्रे किया है, आप देखोगे तो दिखाओ मेरा, तो देख लीजिए ये दीवार ग्रे है और ये दीवार वाइट है, ऊपर भी वाइट है, वो भी दिख रहा किस कंडीशन में है। ये पर्पल नहीं है, पर्पल लाइट की जैसे पर्पल दिख रहा है, इस दीवार पे मैंने पूरा ग्रे किया हुआ है कलर, देखो यहाँ से लेके ये भी ग्रे किया हुआ है यहाँ तक। अब यहाँ पे ही देख लो लुकअप, ऊपर वाइट है, यहाँ ग्रे है, ये पूरा वाइट है, पूरा का पूरा वाइट है, डिफरेंस देख सकते हो। मैंने उसी बात में कलर किया जहाँ पे मुझे कुछ ज़रूरत थी, देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस, ये ऊपर वाइट, यहाँ पे ग्रे। मतलब अभी मैंने बोला ना, अभी बहुत कुछ बाकी है और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो बाकी है, अभी मेरा DSLR बाकी है, मेरा लैपटॉप बाकी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी है अभी आना। तो ओवरऑल मेरा स्टूडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और मैं अभी एलेक्सा के दो तीन वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको पता चले कि एलेक्सा किस तरह से वर्क करती है। और भी कुछ ज़रूरी जानकारी हो, आपको पूछना हो मुझसे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कौन सा गैजेट आपको चाहिए, तो मैं उसकी सजेशन भी दे सकता हूँ कि आपको कौन सा गैजेट परचेस करना चाहिए किस चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ गैजेट मैंने और ही परचेस कर लिए थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ ज़रूरत की हो सोच समझ के खरीदें, मैंने सोच समझ के नहीं खरीदा, पर आप ये चीज़ सोच समझ के खरीद सकते हैं। और ये डेकोरेशन तो आपने देख लिया था, पर आपने ये नहीं देखा, इसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, ये तीन सेट मुझे कुछ 490 रुपये में गिरे, बहुत ही बेहतरीन सेट है ये, इसमें 6 वाला भी आता है, 8 वाले भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, चौरस आते हैं, ये गोल हैं, अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, खाली आप सर्च करो डेकोरेटेड फैन चीज़ें फॉर वॉल, इतना ही लिखना है आपको, इसके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर आप फ्रेम लगाना चाहो तो फ्रेम भी लगा सकते हो, जो मैंने नहीं लगाया फ्रेम फिलहाल में, क्योंकि मुझे यही अच्छा लग रहा था, मुझे फ्रेम अच्छी नहीं लगी। डर जाते, मैं सब भगवानों सबको मिला देता हूँ, ये हमारे जय श्री महाकाल यानी शिवलिंग की लिंक है, ये हमारी माता जी हैं, गणेश जी हैं, ये भी हमारी माता जी हैं, हर भगवान की हर तरीके से अलग अलग पूजा करते हैं हम लोग। ये हमारे सबसे फेवरेट कृष्ण कन्हैया यानी कि कान्हा जी, हमारे भोलेनाथ जी, हमारी लक्ष्मी माता जी हैं, वहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान चालीसा यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे भी एक शिवलिंग है जिसपे हम दूध चढ़ाते हैं, इस दूध इसके अंदर जाता है, यहाँ पे भी राधा कृष्ण जी हैं, पीछे हमारे गुरु जी हैं फिलहाल में। और अगरबत्ती में मेरी कंपनी की यूज़ करता हूँ, दिस इज़ गोल्डी ब्रांड, मैं इस कंपनी का सेल्स एजुकेटेड हूँ, यानी मेरा ये जो बिजनेस है, ये जो देख रहे हो आप स्टूडियो, ये पार्ट टाइम है मेरा, मेरा मेन काम ये है, मैं कि सेल्स ऑफिसर हूँ इस कंपनी में। अब गोल्डी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको रिसर्च कर सकते हो नेट पे जाके कि कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर, भी सलमान खान है, आप अमेजोन पे जाओ भी या ऑनलाइन गोल्डी लिखो के पता चल जाएगा, इसकी बहुत बड़ी ब्रांड आती है, ये तो एक छोटी अगरबत्ती की ब्रांड है, इसमें मैगी से लेके चाय से लेके फिर हल्दी मिर्ची से लेके स्पाइसी मसाले से लेके बहुत बड़ी ब्रांड है।
तो अगरबत्ती मैं उसकी यूज़ करता हूँ तो ये मेरा गोल्डी का कैटलॉग, जैसे आप देख सकते हो। आपने अगर कभी गोल्डी चीज़ परचेस नहीं की हो तो ऑनलाइन परचेस करके इसको खा सकते हो आप। इसके मसाले अगरबत्ती बहुत ही फेमस चीज़ें आती हैं, इसकी पूरी रेंज मिल जाएगी आपको। सबसे फेवरेट मेरे पास्ता, मम्मा मिया, आखिरी रास्ता, जिंजर गार्लिक, कसूरी मेथी, ड्राई मैंगो, जो चाहो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सबसे मेरी दूसरी स्वीट में सेवैयाँ। ऑनलाइन में आपको चाहिए तो डी मार्ट, ये सब बिग बाज़ार, अमेज़ोन, हर जगह पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी ये चीज़ें। बात करें कि मैं जो ऊपर से व्यू लेता हूँ वो इस टेबल पर लेता हूँ। आप मेरे कोई भी अनबॉक्सिंग वीडियो देखोगे तो कुछ इस तरह से होंगे, जहाँ पे मैं परचेस करता हूँ सब चीज़ों को, तो वो व्यू जो मेरा स्टैंड है बूम आम, वो इसी चीज़ के लिए ये टॉप से ऐसे व्यू लेता है, वो ऊपर नीचे करता है। बाकी मैं टीवी की बात कर रहा था, मेरे पास सैमसंग की टीवी है जो 4K बोलते हैं इसको, पर 4K जैसा मुझे कुछ लगता नहीं है इस टीवी में, पर मेरा इतना यूज़ नहीं होता है टीवी का, तो बस है शो के लिए, नाम के लिए, टाटा साइका बॉक्स। बाकी मैं पहले यहाँ पे बनाने वाला था स्टूडियो, आप देख रहे हो, पर यहाँ पे एक्चुअली मैं, मेरी वाइफ ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, यानी ये एक हॉल है मेरा जो देख सकते हो, फिलहाल में बहुत ही बेकार कंडीशन में पड़ा हुआ है। चलो हमारे गणपति जी से मिल लो पहले, फिर ये हमारे कुछ फोटोज है शादी के, जिसमें आपको मेरी वाइफ भी दिख जाएगी। ये हमारा गोल्डी का कैलेंडर, ये हमारा छोटा सा टेडी, मतलब मैं हर वैलेंटाइन डे के दिन मेरी वाइफ को टेडी देता हूँ, पता नहीं क्या होता है पर लगता क्यूट है ये टेडी। देख लो आप इसकी आंखें, देखो हाय हाय कैसे देख रहा है, मर जाऊँ इसके ऊपर तो मैं। बताओ ये टेडी कैसा लगा कमेंट करके। बाकी ये पावर बैंक जो है हमारा, वो भी वन प्लस का है। पावर बैंक का तो क्या ही मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोकल कंपनी मिल जाती है। अब ये सबसे महंगा चीज हमारी जो हमने लगवाई थी दीवार पे, वॉल, 3D वॉलपेपर। यानी देखो ये दीवार वाइट है, ऊपर पर्पल है, ये वाइट है, इधर भी वाइट है, और ये घूमे हुए इधर भी वाइट है पूरी तरह से। ये दीवार मैंने रिव्यू के लिए चुनी थी पहले, सबसे पहले कि मैं इस दीवार पे कुछ करता हूँ, तो मैंने पूरी दीवार को रंग दिया था, फिर टीवी लगा दी थी। फिर अब मैं को ये दीवार क्यों पसंद नहीं आई खर्चा करने के बाद, जब मैं यहाँ पे रिव्यू करने के लिए आया तो कैमरे के लिए जगह नहीं थी, मुझे यहाँ पे स्टैंड रखना पड़ता था, जब बार बार स्टैंड गिर जाता था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्टैंड रखता तब जाके मैं सामने खड़ा रह पाता था, पर जो इसका रिफ्लेक्शन आता था जो लाइट का, वो बहुत ही बुरा आता था, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने इस खूने में ट्राई किया कि भाई मैं इस खूने में से ट्राई करूं, ये खूना मेरे लिए जगह बेटर है, क्योंकि यहीं पे खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ पे खड़ा रहो तो ये टीवी आ जाती थी, तो मुझे यहीं पे खड़ा रहना पड़ता था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने बहुत जगह से ट्राई किया, लगाने से पहले मैंने नहीं सोचा, पर लगाने के बाद मैंने हर एंगल ट्राई किया, हर एंगल से सोचा, फिर पता चला कि मैंने वेस्ट ऑफ मनी किया ये। इससे जगह पर मैं यही सेम चीज़ यहाँ पर लगाता तो इज अ बेटर रिजल्ट मिलता मुझे मेरे हिसाब से, पर क्या करता। वो बोलते हैं ना कि इंसान की बुद्धि तभी होती है वो जब तक दिमाग ना लड़ाए, मतलब कोई भी चीज़, मैंने बोला ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे वेस्ट कर दी है लेते के समय। इसके लिए आप कभी कोई भी चीज़ परचेस करो तो सोचो, उसके एंगल से सोचो कि ये आपको प्रॉपरली उस चीज़ में यूज़ होगी या नहीं होगी, वरना लेने के बाद पछताने के दिन आते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसमें रखा हुआ ये एक अवार्ड जो मेरी वाइफ को मिला हुआ है, वो टीचिंग करती है यानी कि बच्चों को पढ़ाती है, तो उस चीज का अवार्ड है ये।
हमने फाइनली ये बॉक्स मंगवाया है अमेज़ॉन नहीं फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि हमें एक माउनो के माइक के लिए एक स्टैंड चाहिए था जो माउनो की कंपनी का ही है, यानी माउनो का बूम बाम स्टैंड। तो इसके लिए हमने ये माउनो की कंपनी का ही मंगाया। वैसे माउनो के बहुत सारे ऐसे मॉडल है जिसमें पूरी पैर यानी पूरी किट आती है, पर हमने वो मॉडल परचेस नहीं किया। हमने मॉडल माउनो का DM30 परचेस किया है, जो एक गेमिंग माइक है जो आपके बिल्कुल पास में दिख ही रहा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये माउनो का एक स्टैंड है, बूम बाम स्टैंड, जिसपे हम माइक फिट करेंगे। इसके आगे आप देख ही सकते हो स्टैंड कैसा आता है। इसे आप किसी भी टेबल पे या दीवार पे कहीं पे भी आप फिट कर सकते हो, और ये लुक कैसा दिखेगा ये मैं आपको कवर फोटो में दिखा दूंगा कि ये माइक का एक्चुअली में लुक कैसा है। तो फाइनली हम चलो इसको खोलते हैं, और ये सब ब्रांडिंग लिखी हुई आगे पीछे, और तो कुछ है नहीं, ये बस पूरे बॉक्स पे माउनो का नाम, पीछे थोड़ी सी डिटेल और ये इसको कैसे यूज़ करते हैं वो लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले खोलते हैं, ये निकला सबसे पहले माउनो का मेन स्टैंड, और उसके साथ में माइक का होल्डर, और ये दीवार या टेबल किसी भी पी अटैच करने के लिए क्लेम। तो सबसे पहले इसे खोल देते हैं हम लोग। ये एक स्टैंड है, बूम बाम स्टैंड बोलते हैं इसको, वैसे इसका नाम ही ऐसा है, बूम बाम स्टैंड, अजीब सा नाम है। ये टीवी पे या टेबल है या किसी भी दीवार पे कहीं पे भी आप अटैच कर सकते हो इसको, सिंपल अटैचमेंट। इसका कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और ये माइक जो मेरे किसी काम का नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा जो माइक है इतना बड़ा है जो स्टैंड में कभी भी नहीं आने वाला है। तो हमें तो उसको अटैच अलग से ही करना है, पर कोई मतलब नहीं है इस माइक का, बेकार है ये माइक, साइड पर रखो इसको। ये काम की चीज़ है जिसे आप अटैच कर सकते हो कहीं पर भी, सिंपल इसको ऊपर करना है, खोलना है और ढीला करके पैक करना है। बाकी जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही हैवी है, इजीली आपको ये ओपन बंद खुल सकता है, हाथ लगा के देखो, हाँ टच करके इसकी क्वालिटी है, कुछ भी बोलो। माउनो की कंपनी का मंगवाने का कारण यही था, यहाँ पे माइक फिट होगा जैसे कि मैंने बताया था, कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये सिंपल सी एक अनबॉक्सिंग है, बाकी इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो में एक अलग से डालने वाला हूँ, जिसमें ये माउनो का माइक और ये स्टैंड पूरा मैं फिट करके और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसको बताऊंगा। हो सकता है तो मैं इसके वीडियो में इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो या ऊपर आई बटन पे आने वाले देख सकते हो। तो ये माउनो का माइक, ये माउनो का स्टैंड यहाँ पे फिट होगा, ये सिंपल सा है। बाकी मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए ये है माउनो का माइक और माउनो का बूम बम स्टैंड। बाय बाय, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट। फाइनली फ्लिपकार्ट से एक और पार्सल आ चुका है जिसे हम खोलेंगे, और इसके अंदर से हम निकालेंगे, पहले आप थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसके अंदर से हम दीवार पे माउंट करने के लिए बैकग्राउंड के लिए कुछ मंगवाया है जो हम आपको दिखाएंगे, बहुत ही मजेदार चीज है, हम देखोगे तो पता चल ही जाएगा। खुल जा शिम शिम, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, वजन भी इसका बहुत अच्छा दिख रहा है, तो केक को काट ही लेते हैं। तब तक एलेक्सा नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक चलाओ। जियो सावन से हिंदी म्यूजिक, जब भी आर बजता है आपके म्यूजिक के बीच में तो आप यही सोचते हो ना, बजा रही हूँ, बस जियो सावन प्रो ले लो और आज को बनाओ सिर्फ 79 रुपीज में। आइए एक महीने के लिए आज फ्री डाउनलोड। तीन स्क्रू और तीन वो दीवार पे माउंट करने के लिए, एक ये छोटा एक ये बड़ा, ये इससे बड़ा, बाकी रहा इसको भी काटने का मन कर रहा है, पहले ही दरार पाल दी मैंने तो। और ले ले ले, मेरा बच्चे को लग गई, हमें इसको अलग तरीके से निकालना था। खैर छोड़ो, पहले ही नुकसान हो गया, तो इसकी क्वालिटी की मेटल की तो नहीं है, ये फाइबर बोल सकते हैं उसको। तो ये तीन है, हम कैसे लगाएंगे बताएंगे, और इसको लगाने के लिए
यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, बस किल्ली ठोकनी है उसमें, इसको अटैच कर देना है। बात खत्म, टाटा बाय बाय और सी यू। अब लगने के बाद कैसा लगेगा वो मैं बताऊंगा, तब तक एक चुटकुला सुन के जाओ आप। एलेक्सा एक चुटकुला सुनाओ। दो कॉकरोच एक डस्टबिन में पार्टी कर रहे थे। एक कॉकरोच ने दूसरे से कहा, यार वो नए हलवाई की दुकान देखी, बिल्कुल शीशे जैसी साफ चमचमाती हुई सी है। दूसरा कॉकरोच बोला, अरे यार खाने के टाइम पे ऐसी गंदी बातें ना किया कर। एलेक्सा का जॉब कैसा लगा उसके लिए तो फॉलो करना चाहिए। बाकी दीवार पे हम कैसे माउंट करें बताते हैं इसी वीडियो में। फाइनली हमने जो दीवार पे मंगवाया था लगाने के लिए डेकोरेशन, वो आ चुका है आपके सामने है। पार्सल सामने चीरहरण तो कर ही दिया है, आप देख सकते हो इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये बॉक्स निकला है। बॉक्स को करते हैं अनबॉक्सिंग। इसके अंदर एक और बॉक्स निकला है, ये बॉक्स को खोलेंगे हम तो हमारे नन्नू मुन्नू से बच्चे निकलेंगे इसमें से, जो देख सकते हो कितने प्यारे से हैं। ये एक बच्चा, समझ लो हमने चार चार बच्चे मंगवाए हैं, वो भी ऑनलाइन। क्या जमाना आ गया है, बच्चे ऑनलाइन मिलते हैं। जैसे मैंने फोटोज में देखे तो उससे बहुत ही छोटे लग रहे हैं ये, वैसे बाकी कुछ भी नहीं है। Have a nice day बस लिखा हुआ है इस पे। और ये चार इसके कपड़े, इसको रखते हैं साइड पे। और ये चार ऐसे नहीं दिख रहे आपको, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और ये चिंता मनी है शायद, इसके लिए टेंशन कर रहा है। इसके साथ एक और पार्सल हमने मंगवाया था जो तक ग्रुथ, पर वो शायद आया नहीं है अभी तक, वो बाद में आएगा। इन चार को साइड पे रख के एक दूसरे की अनबॉक्सिंग करते हैं साथ में, जिसका चीरहरण करेंगे हम पहले तो तबीयत से। तबीयत से चीरहरण करने के बाद इन बच्चों के लिए घास फूस मंगवाया है हमने, जो इन बच्चों को खाना होगा पीना होगा। और इसमें एक लव लेटर जिस पे लिखा हुआ है शॉपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, फलाना डिंगना, टेक्स, वॉइस और इसकी माँ की आंख। इसको फेंक दो। ये चार ऐसे दिखते हैं। फाइनली फ्लिपकार्ट से एक और पार्सल आ चुका है, जिसे हम खोलेंगे और इसके अंदर से हम निकालेंगे। पहले आप थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इसके अंदर से हम दीवार पे माउंट करने के लिए, बैकग्राउंड के लिए कुछ मंगवाया है जो हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही मजेदार चीज है, हम देखोगे तो पता चल ही जाएगा। खुल जा शिम शिम, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, वजन भी इसका बहुत अच्छा दिख रहा है, तो केक को काट ही देते हैं। तब तक एलेक्सा नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक चलाओ। जियो सावन से हिंदी म्यूजिक। जब भी आर बजता है आपके म्यूजिक के बीच में तो आप यही सोचते हो ना, बस जियो सावन रो ले लो और आज को बनाओ सिर्फ 79 रुपीज में। आइए एक महीने के लिए आज से तीन स्क्रू और तीन वो दीवार पे माउंट करने के लिए। एक ये छोटा, एक ये बड़ा, ये इससे बड़ा, बाकी रहा इसको भी काटने का मन कर रहा है। पहले ही दरार पाल दी मैंने तो। और ले ले ले, मेरा बच्चे को लग गई। हमें इसको अलग तरीके से निकालना था। खैर छोड़ो, पहले ही नुकसान हो गया,
तो इसकी क्वालिटी की मेटल की तो नहीं है, ये फाइबर बोल सकते हैं उसको। तो ये तीन है, हम कैसे लगाएंगे बताएंगे। और इसको लगाने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, बस किल्ली ठोकनी है उसमें, इसको अटैच कर देना है। बात खत्म, टाटा बाय बाय और सी यू। अब लगने के बाद कैसा लगेगा वो मैं बताऊंगा, तब तक एक चुटकुला सुन के जाओ आप। एलेक्सा एक चुटकुला सुनाओ। दो कॉकरोच एक डस्टबिन में पार्टी कर रहे थे। एक कॉकरोच ने दूसरे से कहा, यार वो नए हलवाई की दुकान देखी, बिल्कुल शीशे जैसी साफ चमचमाती हुई सी है। दूसरा कॉकरोच बोला, अरे यार खाने के टाइम पे ऐसी गंदी बातें ना किया कर। एलेक्सा का जॉब कैसा लगा उसके लिए तो फॉलो करना चाहिए। बाकी दीवार पे हम कैसे माउंट करें बताते हैं इसी वीडियो। लगने के बाद कुछ ऐसा फील होता है, जैसे कि देखो ये वैसे आप निकाल भी सकते हो उसको, यहाँ करके यूं करके निकाल सकते हो और इसको ऐसे करके फिट भी कर सकते हो। सिंपल सा फिटिंग है इसका, कभी भी निकालना हो तो निकाल सकते हो। बस तीन होल करने के, बाकी इसमें क्या क्या डेकोरेशन करने वाला हूँ डेकोरेशन के बाद वाला भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो फाइनली आप देख सकते हो ये डेकोरेशन, जहाँ पे मैंने ये चार छोटे छोटे नकली पौधे, दो और दो चार छोटे छोटे बच्चे और हमारा प्यारा सा ग्रोथ, और इसके लिए अभी कुछ बाकी है तो हम मंगवाया नहीं है। बाकी ये पूरा सेटअप दिख रहा है शो के बाद। ये हमारी लाइट जो एलेक्सा से कनेक्ट होती है, पर बेचारी अभी एलेक्सा का डेटा नेटवर्क नहीं चल रहा है तो बाढ़ में जाए एलेक्सा। और ये है लुकअप का, तो देख सकते हो आप, मतलब मैंने ये पसंद किया था। आप चाहो तो आप कुछ भी पसंद कर सकते हो, आपको जो भी डेकोरेट करना हो वो आपके ऊपर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। फ्लिपकार्ट की तरफ से आज बहुत बड़ा वाला पार्सल है भाई साहब, पार्सल देख सकते हो। और इसकी अनबॉक्सिंग आज हम हमारी वाइफ से करवा रहे हैं, तो देखते हैं कि लाइट का स्टैंड जो हमने मंगवाया है काम का है या बिना काम का है, कैसा वर्क करता है। तो ये खोलने के बाद क्या क्या है आप ज़रा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये इसका मैनुअल गार्ड है जो आपको कैसे फिट करना है ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। बाकी की एसेसरीज में इसमें ये छोटा स्टैंड जो सबसे नीचे लगेगा, वायर फिटिंग ओ बापरे, ये स्टैंड है इसका मेटल पाइप वो वायर फिटिंग था। फिर ये बल्ब जो कंपनी चालू का देती है एलईडी बल्ब जो इसमें फ्री आता है, ये इसकी प्लेट्स हैं, देख ही सकते हो तीन प्लेटें आती हैं टोटल। और जो ये बाकी हल्का फुल्का बचा है हमारा बॉक्स जो लाइट के आसपास लगता है, इसको पूरा ही निकाल दो बाहर। तो आप देख सकते हो ये, तो बस ये है ये जो आप देख रहे हो, आपको बिल्कुल वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं चीप मटेरियल टाइप है पर चले इस गुड, इतना भी बुरा नहीं दिख रहा है। अब इस पैसों में तो आपको क्या ही चाहिए। तो कुल मिला के एक ये और ये तीन चीजें, ये बल्ब, ये मैनुअल कार्ट, ये वायर और एक ये इतना सामान इस बॉक्स से निकला है। तो इसके मैनुअल के लिए हो जाओ तैयार कि इसको कैसे कैसे हमें फिट करना है। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम भी पहली बार ही कर रहे हैं इसका फिटिंग। सामान निकालने के बाद हमको भी थोड़ा समझना पड़ेगा।
नवरात्रि आने वाली है और ये स्टील के डंडे हो रहे हैं रेडी। अब हम मैनुअल को पढ़ते हैं पहले तो कि कैसे कैसे कर इस तरह से स्टैंड पर इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें प्लेट्स को खोलना होगा क्योंकि मैनुअल के हिसाब से सबसे पहले एक छोटी सी प्लेट लगानी है, उसके ऊपर ये सारे पाइप अटैच करने हैं, फिर दोबारा दूसरी प्लेट लगानी है, फिर पाइप अटैच करने हैं, फिर प्लेट, फिर पाइप। समझ सकते हो ना आप? तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, आपको दिख ही रही होगी, लकड़े का बना हुआ है और ये थोड़ा चीप मटेरियल जैसा ही लगता है मुझे। बहुत हल्का है, हैवी नहीं है। चलो बिल्कुल लो क्वालिटी, बेकार। तो फाइनली जो स्क्रू हम ढूंढ रहे थे मिल गए, जिन्हें हम एक स्क्रू यहाँ पे फिट करने का होता है जिससे ये अटैच हो जाएगा डायरेक्टली। तो सिंपल ही प्रोसेस था, वैसे हमको लग रहा था नहीं हो जाएगा पर हो गया। यार धीरे धीरे आते हो, दिस वन ये सेकंड प्लेट है, ये इसके साथ ही वॉल के अंदर अटैच करना है। हम गलत नहीं कर रहे? क्यों? ये नीचे नहीं आएगी? क्यों? ये कैसे जॉइंट होगी इसके साथ? कैसे नीचे आएगा ये? सबसे पहले छोटी वाली को करके देखो तो फटाफट हो जाएगा। ये कैसे रहेगा? नहीं होगा ना, ये अलग है, ऊपर नहीं रखना है, ऊपर नहीं, बीच में प्लेट आएगी। अच्छा, हमने उसका वो गलत किया है। हाँ। ला प्लेट मत खोली, कल काफी देर सोचने समझने के बाद हमने इसका रियल व्यू ये पिक देखा, उसके बाद सोच समझ के हमने ये किया क्योंकि इसके जो पाइप्स हैं वो उसके हिसाब से ही लगाने पड़ते हैं, मतलब कि इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें से वापस से हमें स्क्रू खोलने पड़ेंगे। भाई साहब हमसे फिर से गलती हो गई और हम लोग फिर से पूरा इसको खोल दिए हैं,
और खोलने के बाद ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये इंसुलेटर आप वीडियो में सोचोगे क्या हो रहा है, देखिए ये ऊपर का जो पाइप दिख रहा है ना ये वाला, इससे हम अटैच करेंगे, फिर नीचे उसके नीचे, फिर उसके नीचे आएंगे। हमने थोड़ा पढ़ लिया है और ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। अब देख लो, समझ गया? तैयार हो जाने के बाद फाइनली सब कुछ खत्म किया हमने और नीचे से स्टार्ट किया, और नीचे से स्टार्ट करने के बाद फाइनली ऐसा दिखता है। अब इसके ऊपर भी एक बाकी है तो लगाओ। अब ये है बल्ब का स्टैंड है, इसको इस तरह से अंदर डालेंगे। बेसिकली इसका जो गोल नट वाला भाग है वो यहीं पे लगता है, जो इसके तीन नट्स आते हैं, मतलब ध्यान है इस पे नट्स लग गए मतलब ये फिट हो गया। इसके बाद ये डायरेक्टली इसके अंदर फिट हो जाएगा, फिर ये इसके अंदर फिट हो जाएगा खुद में खुद ही। बाकी का फिट करने के लिए हमने इस पे फिट कर दिया है प्रॉपरली, एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह है, पर इसको फिट करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। अगर देख के करोगे, हमारी तरह नहीं करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये क्या हिलता ही रहता है नहीं ना, इसको टाइट करने के लिए भी कुछ होगा, बल्ब ऐसा होगा इसका शॉट। नहीं, फाइनली ये हो गया स्टैंड रेडी। अब इसके ये वायर से हम लोग इस प्लग में फिट करेंगे और दिखाएंगे इसका लुक। Lock the lock. क्यों कोई है क्या इसके में बटन बीच में? हाँ ये रहा बटन, चालू करो उसका, ये रहा फाइनली स्विच के साथ इसको भी चालू करना जरूरी है। तो ये रहा हमारा लुक पूरा ब्लब का, और इसे हम जब बैकग्राउंड में लगाएंगे उसकी आपको तस्वीर अलग से दिखाएंगे। देखो फाइनली आपकी लाइट ऐसे दिखती है। अब इसके अंदर मैंने वो सिंपल सा बल्ब निकाल के फिलिप्स का स्मार्ट बल्ब डाला है जो कनेक्ट है एलेक्सा से, और एलेक्सा इसको कमांड भी देती है। एलेक्सा बेडरूम की लाइट बंद करो। सॉरी मुझे बेडरूम लाइट नाम का कोई ग्रुप या डिवाइस नहीं मिला। एलेक्सा लाइट को बंद करो। क्या आपका मतलब बेडरूम था? हाँ ठीक है। देखो इन्होंने दोनों लाइट बंद कर दी। एलेक्सा एक जोक सुनाओ। क्या आपने सोचा है आपके किचन में जो दाल चावल है उसमें चावल ने दाल से क्या कहा होगा? चलो मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हैं। फनी तो नहीं था, पर एलेक्सा बेडरूम की लाइट चालू करो। ठीक है। देखो ये इसका सिंपल सा कमांड है। एलेक्सा अगर आपके पास है तो आप कमांड दोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, नहीं भी है तो आप सिंपली इसके बटन से भी इसकी लाइट शुरू कर सकते हो। ये कैसा दिखता है बेडरूम में रख सकते हो, हॉल में, जहां पे आपको ठीक लगे ये लाइट रख सकते हो। हाँ पर सिंपल सा है, मैंने इसके अंदर से की लाइट निकाल के फिलिप्स की ये वाली लाइट डाल दी है बल्ब, ये जो स्मार्ट बल्ब है जो दिखता कुछ ऐसा है फिलिप्स का 10 वोल्ट का, इसके अंदर ये वाला बल्ब आता है जिसका जो राउंडर है वो कुछ अलग है। तो ये बल्ब फिट करने के लिए एक और सामान आपको लाना पड़ेगा अगर इसके अंदर फिट करना है। वो क्या सामान है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें तो बल्ब ही है, चलो इसको वापस रख देते हैं, इसको उठाते हैं, इसके अंदर पड़ा है। मेरे पास एक्स्ट्रा रहते हैं क्योंकि मेरे पास काम लगते हैं मुझे ये चीजें। ये रहा, ये बेसिकली ये जो बल्ब आया है इसके साथ, हम इसको साइड पे रखते हैं। ये जो बल्ब है इसमें ये ऐसा जॉइंट किया हुआ है तो डायरेक्टली बल्ब गोल गोल घूम के रख जाएगा। अगर ये बल्ब यूज नहीं करते हो तो ये इसको पहले इसके नीचे गोल गोल घुमाना पड़ेगा, उसके ऊपर सो नॉर्मल सा कोई भी बल्ब आप फिट कर सकते हो। तो ये करीब हम ऑनलाइन 60-70 का मिलता है, ऑफलाइन 40-50 का मिलता है, आप देख सकते हो। अगर स्मार्ट बल्ब या कोई और बल्ब फिट करना हो
तो की बात है, वरना ये वाला बल्ब इसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर इनविल है पहले से ही, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बल्ब डायरेक्टली फिट हो जाएगा। बाकी कोई अलग बल्ब फिट करना हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। हमारे पास आ चुका है एक भारी भरकम सा पार्सल। इस पार्सल में क्या है जो आया है अमेज़न से, तो हमें जल्दी से इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। एक भारी बॉक्स में क्या है, फाइनली जो भी है वो काम की चीज तो है इसमें, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इसको फाड़ते हैं, वो भी तबीयत से। बॉक्सिंग की अच्छी खासी पैकिंग की है इन लोगों ने, जैसे हम तबीयत से फाड़ेंगे। वैसे ये महंगा भी है पार्सल बहुत। ओ हो, तो फाइनली हर्षियों की तरफ से ये है एक पार्सल जो ये एक स्टैंड में काम लगेगा, जो आपके पास अगर सॉफ्ट बॉक्स हो तो उसमें भी काम लगेगा, अगर आपके पास लाइट हो उसमें भी काम लगेगा, बूम बम के लिए भी काम लगेगा, ये हर चीज के लिए काम लगता है। इसकी प्राइस की बात करें तो हम प्राइस लिखी हुई है 449, जो मुझे ये 400 में गिरा है फिलहाल में अमेजोन से। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हो इसकी यूजेस क्या क्या है। सॉफ्ट बॉक्स है, कैमरा है, एलईडी लाइट का है, फ्लैशबैक का है, बहुत सारे इसके यूज हैं। तो सिंपली हम इसका अनबॉक्स करते हैं कि दिखने में ये कैसा है। एक ये मैनुअल गाइड या कुछ बिल होगा कंपनी का। फाइनली ये बिल है 400 का, आप देख सकते हो हर सिंगिंग। तो फाइनली इसका वेट बहुत ही एक ज्यादा वेट है, और ये जो आपको दिख रहा है इस पे आप होल्डर फिट कर सकते हो कोई भी मोबाइल का, जहां पे एक मोबाइल के आ जाएगा ये किसी में चला जाएगा, फिट कर दो यहां से, यहां इसकी मूवमेंट चेंज कर सकते हो आप, ये फिट इसे लूज करो तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। इसे लगा के हम आपको दिखाते हैं। तो फिर से लेके हम आ चुके हैं एक और अनबॉक्सिंग और एक और डेकोरेशन की आइटम। इससे पहले हमने आर्टिफिशियल्स की बहुत सारी अनबॉक्सिंग की है जो मेरी चैनल पे है, तो शुरू करते हैं फिर से। वैसे हमने कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये पहला पार्सल जो है मीशो से मंगवाया है हमने, तो देखते हैं कि मीशो की क्वालिटी और अमेजोन की क्वालिटी में कितना फर्क है। वैसे रेट में तो बहुत ज़्यादा ही फर्क है, अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का रेट ज़्यादा है और मीशो का रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो फाइनली क्वालिटी में भी दूर से ही डिफरेंस दिख रहा है मुझे। सबसे पहले तो वजन, और ये जिसका भी बना हुआ है मिट्टी का प्लास्टिक का, दिस इज हेवी। बाकी और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसका वेट कुछ थोड़ा ज़्यादा है। बाकी मैं आपको फ्लिपकार्ट की क्वालिटी दिखा सकता हूँ आपको, जो ये है। कलर पे मत जाइएगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, दब रहा है देखो, और ये प्लास्टिक नहीं है। और इन दोनों की प्राइस कंपैरिजन करूँ मैं, ये मीशो की आइटम है, ये फ्लिपकार्ट की, ये मुझे 220 में गिरी ये दो, और ये दो प्रोडक्ट मुझे गिरी ओनली फॉर 130। सोच लीजिए फर्क क्या है, मंगवाना नहीं मंगवाना आपकी मर्जी। बाकी डेकोरेट में कैसा लगता है मैं इसी वीडियो में बताता हूँ कि किस जगह पे लगेगी और कैसा व्यू आएगा इसका, उसकी फोटोज और उसका वीडियो दोनों दिखाता हूँ मैं आपको। फाइनली ये कागज आ गया, ये कागज, ये कुरियल जो है वो पूरे 500 रुपए का है, यकीन नहीं आ रहा, तो मैं इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा, क्लिक करके अमेजोन से आप देख सकते हो। वैसे क्या है बता देता हूँ, ये है एक चड्डी है। अब ये चड्डी 500 रुपए की होगी आप सोच रहे होंगे, हाँ भाई हाँ सच्ची बात है, ये चड्डी ही 500 रुपए की है। अब इस चड्डी में ऐसा खास क्या है वो आप खुद ही देख लो। ये जो चड्डी दिख रही है आपको, ये 500 रुपए की है चड्डी, इसमें एक ये कागज है,
इसका ये बिल है, बाकी कुछ है नहीं, अमेजोन की ब्रांडिंग है। आप यकीन नहीं करोगे वैसे, तो ये बहुत सेफ्टी चीज है जिसके लिए मैंने मंगवाई है, उसके लिए पूरा 500 रुपए का ये बिल आपको दिख रहा होगा। ये मैंने हमारे माइक के लिए मंगवाया है, तो माइक का सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि माइक की कीमत 5000 है, तो 5000 के सामने 500 रुपए तो हम खर्च कर ही सकते हैं। तो ये चड्डी है माइक की, तो देख लिया आपने ये चड्डी, यहां से माइक जाएगा, यहां से फिट करना हो तो कर सकते हो। चलो चड्डी पहना के देखते हैं माइक को कैसा लगता है माइक हमारा। तो फाइनली ये रहा हमारा मोनो का माइक DM30, दिख रहा होगा, पर ये इसकी चड्डी है। इस चड्डी से सेफ्टी ये होगी, ये चड्डी इसकी गिर गई, उतर गई बेचारे की चड्डी। वैसे यहां से टाइट करने के लिए होता है, इसको प्रॉपरली हम टाइट कर सकते हैं इसे। तो वापस से इसकी चड्डी हम इसको पहनाएंगे, क्योंकि अभी नीचे के भाग पे है इसके लिए ऐसा लग रहा है, इसको हम अगर ऐसा कर देंगे, रुक जाओ, अब ये चड्डी ऐसी लगेगी कुछ, तो देख सकते हो इसकी चड्डी। ये चड्डी इसकी फर का फर ना हो उसके लिए होती है, बाकी ये मेरे गैजेट्स हैं। मेरे गैजेट्स के मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिंक है, देख सकते हो। हर प्रोडक्ट की लिंक हर वीडियो में अलग अलग डाली हुई है, हर किसी चीज़ की प्रोडक्ट डाली हुई है। आज के लिए इतना ही, तो फिर से लेके हम आ चुके हैं एक और अनबॉक्सिंग और एक और डेकोरेशन की आइटम। इससे पहले हमने आर्टिफिशियल्स की बहुत सारी अनबॉक्सिंग की है जो मेरे चैनल पे है, तो शुरू करते हैं फिर से। वैसे हमने कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये पहला पार्सल जो है मीशो से मंगवाया है हमने, तो देखते हैं कि मीशो की क्वालिटी और अमेजोन की क्वालिटी में कितना फ़र्क है। वैसे रेट में तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है, अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का रेट ज़्यादा है और मीशो का रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो फाइनली क्वालिटी में भी दूर से ही डिफरेंस दिख रहा है मुझे। सबसे पहले तो वजन, और ये जिसका भी बना हुआ है मिट्टी का के प्लास्टिक का, दिस इज हेवी। बाकी और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसका वेट कुछ थोड़ा ज्यादा है। बाकी मैं आपको फ्लिपकार्ट की क्वालिटी दिखा सकता हूँ आपको, जो ये है। कलर पे मत जाइएगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, दब रहा है देखो, और ये प्लास्टिक नहीं है। और इन दोनों की प्राइस कंपैरिजन करूं मैं, ये मीशो की आइटम है, ये फ्लिपकार्ट की, ये मुझे 220 में गिरी, ये दो, और ये दो प्रोडक्ट मुझे गिरी ओनली फॉर 130। सोच लीजिए फर्क क्या है, मंगवाना नहीं मंगवाना आपकी मर्जी। बाकी डेकोरेट में कैसा लगता है मैं इसी वीडियो में बताता हूँ कि किस जगह पे लगेगी और कैसा व्यू आएगा इसका, उसकी फोटोज और उसका वीडियो दोनों दिखाता हूं मैं आपको। फाइनली एक ये है और एक ये है जो हमने लगाया है। ऊपर वाले दोनों के दोनों प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मंगवाई हुई है, जो पूरा सेट करीबन मुझे समझो ना 120-240 के आसपास ये दोनों सेट गिरे मेरे को, और ये दो सेट मुझे गिरे 130 के पर। दोनों वजन में हैवी है और प्लास्टिक भी नहीं है। क्वालिटी तो मैं आपको दिखा चुका हूँ अनबॉक्सिंग में। बाकी इसको मैंने यहाँ पे लगाया, आप ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, जहाँ पे जैसे लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हो। ये इसका पूल लेंथ फाइनल लुक है, और इसकी ये फुल जड़ियाँ भी ज़्यादा है, ऊपर से देखने जाओ तो ये छोटी हैं, ये बड़ी हैं, आपको दिख ही रही होगी। मैं हर एंगल से आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऐसा एंगल रहेगा, फिर एक दूसरा एंगल, सामने से व्यू भी देखो, जितना दूर जाऊंगा इतना व्यू कैसा आएगा आप चेक सकते हो। वैसे आप कहीं भी लगा सकते हो उसको, मैंने मेरे स्टूडियो रूम में लगाया है। वैसे ये मेरा स्टूडियो रूम है, ये माइक है, ये सारे गैजेट्स हैं मेरे, ये स्टैंड्स हैं, ये मेरा अनबॉक्सिंग का टेबल्स है, मतलब ये मेरा फाइनल एक स्टूडियो है जहाँ पे एक लाइट दूसरी लाइट। मैंने मेरे स्टूडियो के बैकग्राउंड के लिए मंगवाया, आप बेडरूम के लिए मंगवा सकते हो, कहीं भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए मंगवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस
पर्पस के हिसाब से इसे परचेस करते हो। बाकी लुक कैसा है कमेंट करके बताना, क्वालिटी कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना, और मंगवाना हो तो नीचे दी हुई लिंक के, इन दोनों की लिंक, फर्स्ट लिंक होगी, सेकंड लिंक उन दोनों की होगी, आपको जहां से परचेस करना हो आपके ऊपर है। और ये छोटे छोटे बच्चे भी परचेस करने हो, ये ग्रुप परचेस करना हो, मैं सबकी लिंक नीचे डाल दूंगा, आपको जहां से जो परचेस करना हो कर सकते हो। फाइनली मेरे पास आ चुका है Amazon का इको डॉट, वो भी फोर्थ जनरेशन। हाँ मुझे पता है कभी फाइव जनरेशन लॉन्च हो चुका है, पर ये मैंने Amazon प्राइम डे से मंगवाया जो अभी 15 और 16 जुलाई को चल रहा था, प्राइम डे 50% डिस्काउंट में, मतलब ये 5000 की प्रोडक्ट मुझे 2250 में गिरी है, जिसके अब MRP आप देख ही सकते हो 4499 है, आपको कैमरे में दिखी गई होगी। और ये एक पार्सल था, और मुझे पार्सल वैसे अमेजोन वाला बॉक्स में पैक करके देते हैं, पर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों उन्होंने ऐसा अपना ब्रांडिंग करने के लिए डायरेक्टली दे दिया, पूरा सील पैक है वैसे तो पार्सल, पर ये वाला पैकिंग मुझे समझ में नहीं आया, अगर वो वाला पैकिंग होता तो थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा होती। शुरू करते हैं फिर भी केक कटना। देखो बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ब्रांडिंग आएगी कि भाई आपको ये कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करना है MX Alexa का, फिर इसको चार्जिंग पे लगाना है तब जाके ये कनेक्ट होगा। तो पहले इसको रख देते हैं हम लोग। और फाइनली इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारा प्यारा दुलारा जो हमें चाहिए था, जिसके हम बहुत टाइम से इसकी मंगवाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर ये इसका चार्जर जो 15 वोल्ट का है, वो भी Amazon का ही है ये चार्जर, इतना बड़ा तो नहीं है पर चलेगा। फिर इसके नीचे आएगी एक मैनुअल, दो मैनुअल, एक चार्जर, टोटल कुल मिला के ये तीन चीजें इस बॉक्स के अंदर है। इसका ब्रांडिंग है, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के एंड में चालू करके इसके दो तीन वीडियोस दिखा दूंगा ताकि आपको नॉलेज आ जाए। बाकी ओवरऑल लुक की बात करें तो पहले इसको साइड पे रख देते हैं। इसमें कलर अलग अलग आते हैं, पर मैंने जो कलर मंगवाया वो ग्रे इस कलर है, इसमें ब्लू और ब्लैक भी आते हैं। ये म्यूट का बटन है, यहाँ पे प्लस माइनस वॉल्यूम का बटन है, अगर आप कोई शूटिंग नहीं करते हो तो ये को म्यूट का बटन दबा सकते हो, यहाँ पे दबा के रखोगे तो आपकी जो वॉइस है वो Alexa कभी नहीं सुनेगा, ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें। और ये जो फीचर है जिससे कनेक्टिंग होगा मोबाइल, इसको दबा के रखना है, जिससे एक लाइट चलेगी यहाँ पे चार्जिंग लगाने के बाद चलेगी, जैसे वो सामने वाले मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ता है, और इसको कनेक्ट करने के लिए वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, वो भी वन टाइम, उसके बाद मोबाइल डेटा पे चल जाएगा। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है घर में तो मोबाइल के हॉटस्पॉट का कनेक्शन तैयार करके रखना, पासवर्ड याद करके रखना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कनेक्टिंग बरोबर मिल गया नेटवर्क तो फट जगह कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बाकी कैसे कनेक्ट होता है मैं बताऊँगा आपको।